आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम बैक टू हैप्पी पिल्स इस वीडियो में हमने फ़िज़िकल फार्मेसी का एक टॉपिक नॉन न्यूट्रोनियन सिस्टम को डिस्कस करना सबसे पहले नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को अगर मैं डिस्कस करूं, तो अब देखें जो हमारे पास न्यूटोनियन सिस्टम होता है वो न्यूटन लॉ को फॉलो करता है और जो हमारे पास नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होता है वो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता और एक और चीज़ इसमें ये होती है कि हमारे पास जो लीनियर ग्राफ है वो इसमें नहीं होता ठीक है इसमें फ़र्दर हमारे पास तीन डिवीज़न है ठीक है और उन तीनों में हमारे पास नहीं आता लीनियर ग्राफ नहीं फॉर्म होता अब हमारे पास जो फर्दर नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में आ जाता है उसमें हमारे पास प्लास्टिक सिस्टम है प्लास्टिक फ़्लो है ठीक है हमारे पास सूडो प्लास्टिक फ़्लो है और डायलेटेंट फ्लो है इस वीडियो में हमने प्लास्टिक फ़्लो को डिस्कस करना है ठीक है अगर हम प्लास्टिक फ्लो की बात करते हैं ना तो हमारे पास जो मेन चीज़ है ना वो इसका कर्व है ठीक है अब आता कैसे इसका कर्व ये हमारे पास ठीक है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस जो एक्स एक्सेस है ना ये हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारे पास वाई एक्सेस है ये रेट ऑफ शेयर को रिप्रेजेंट कर रहे थे ठीक हो गया अब हमारे पास जो प्लास्टिक फ्लो होता है इसमें क्या होता है कि कर्व ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता इनिशियली हमारे पास वो बॉडी एज इलास्टिक बॉडी बिहेव कर रही होती है और जब हम लोग उसके ऊपर शेयरिंग फोर्स को जो शेयर हम अप्लाई करें उसको इंक्रीज़ कर देते हैं अमाउंट को अमाउंट ऑफ शेयर को इंक्रीज करेंगे तो वो फ्लो करना स्टार्ट होती है ठीक है सबसे पहले जो हमारे पास शेयर इंक्रीज़ किया हमने तो उसकी वजह से एक नॉन लीनियर कर्व आता है अब ये बात इधर हमने देखनी है कि हमने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया स्टार्टिंग में बॉडी हमारे पास एज अलास्टिक बॉडी बिहेव कर रही थी जब हमने अमाउंट ऑफ तो शेयर को इंक्रीज़ किया तो हमारे पास एक नॉन लीनियर ग्राफ आता है एक नॉन लीनियर सा कर्व आता है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग और इंक्रीज़ करते हैं शेयर रेट को तो हमारे पास क्या होता है कि जो कर्व है वो लीनियर हो जाता है ठीक हो गया तो ये इस तरीके से हमारे पास आता है तो हमारे पास जो प्लास्टिक फ़्लो है ठीक है वो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लो शो करता है यहाँ से जहाँ से ये लीनियर हो गया तो अब हम कहेंगे कि ये न्यूटो जो हमारे पास न्यूटोनियन सिस्टम था जो न्यूटोनियन फ्लो था वो अब शो करे और इससे पहले जो ली, नॉन लीनियर ग्राफ है ना अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्लेट करते हैं और उसको हम मैच करते हैं हम किसके साथ एक्स एक्सेस के साथ तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा जी वैल्यू को तो यील्ड वैल्यू से अबव जो हमारे पास कर्व आ रहा है वो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कर्व हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ना जो मटेरियल ये कर्व देते हैं उनको हम बिंगम बॉडीज कहते हैं ठीक हो गया हमने एक एग्जांपल और, और दे आर कॉल्ड एज हमने वो भी कर लिया अच्छा बिंगम बॉडीज़ हमने नाम दिया ये तब तक फ़्लो नहीं करती जब तक शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो यील्ड वैल्यू से एक्सक्रीड ना कर जाए हमने देखा कि इसका फ़्लो कब बढ़ रहा है जब यील्ड वैल्यू से आगे जा रही है वैल्यू तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत से डिस्पर्शन की जो रेसी है हैं हमारे पास मोबिलिटी का वो हमारे पास प्लास्टिक विस्कॉसिटी आ जाती है अब हम एक इधर ना डिस्कस करते हैं हमारे पास ना ये हैं फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स ठीक है ताकि हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए प्लास्टिक फ्लो के बारे में हमारे पास ना फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स हैं ठीक है हमने क्या किया कि इसके ऊपर जब हम स्ट्रेस करते हैं ना तो जो यील्ड वैल्यू तक की बात करी अभी मैं तो हमारे पास होता क्या है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है ठीक है अभी हमने यील्ड वैल्यू की बात की है नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है जब हम फर्दर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो ये फ़्लो करना स्टार्ट कर देती है अब वो फ़्लो करिए तो वो न्यूटोनियन बॉडी की तरह एक्ट करिए यहाँ पे हमने स्ट्रेस को क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया तो पहले हमारे पास फ्लोकुलेटेड पार्टिकल होते हैं ठीक है फिर हमने जब हील वैल्यू तक की बात की है तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है जब हम स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं तो ये फ़्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है जो कि प्लास्टिक फ्लो को डिस्क्राइब कर रही है वो ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो आ, है स्मॉल एफ है वो हमारे पास यील्ड वैल्यू को शो करता है जो जी है वो रेट ऑफ शेयर को कर रहा है और जो एफ है वो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस को कर रहा है ओके okay. हमारे पास हमने डिस्कस किया नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को जो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते जिनका ग्राफ हमारे पास लीनियर नहीं आता इसमें हमारे पास प्लास्टिक फ्लो है सूडो प्लास्टिक फ्लो है और डायलिटेंट फ्लो है जब हम लोग प्लास्टिक फ्लो की बात करते हैं ना तो हमें सिर्फ कंसनट्रेट करने की ज़रूरत है इस ग्राफ के ऊपर जिसमें हमारे पास शेयरिंग फो स्ट्रेस है एक्सेसिस पे रेट ऑफ शेयर है हमारे पास वाई एक्सिस पे ठीक है स्टार्टिंग में दे एक्ट लाइक अ इलास्टिक बॉडीज़ ठीक है और हमारे पास उसके बाद ओरिजिन की बात नहीं करें उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास नॉन लीनियर करवाता है हम स्ट्रेस को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास लीनियर ग्राफ आएगा और ये जो लीनियर ग्राफ होता है अब हमारे पास बॉडी एज अ, अ बॉडी एड करिए जो कि न्यूटोनियन सिस्टम को फॉलो कर रही होती है अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लेट करते हैं तो हमारे पास झील वैल्यू आ जाती है ठीक है हमने फिर इसको थोड़ा सा ना रिप्रजेंट किया पिक्चर पिक्चर की फॉर्म में ताकि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आए तो हमने कहा कि हमारे पास फ्लोकुलेटिड पार्टिकल होते हैं यील्ड वैल्यू तक वो डिस्पर्स हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो दे स्टार्ट फ्लोइंग ठीक है फिर इक्वेशन देखी और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ़ माइनस एफ़ स्मॉल एफ़ डिवाइडेड बाय जी से जो जी है वो हमारे पास रेट ऑफ तो शेयर को कर रहा है जो स्मॉल एफ है वो हमारे पास सॉरी यील्ड वैल्यू को कर रहा है और फिर हमारे पास जो एफ़ है वो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस को कर रहा होता है दैट्स ऑल